नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के चैनल पर। तो आज हम का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है स्पिनिंग ब्लैक होल्स के बारे में, कि ये ब्लैक होल जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, ब्लैक होल स्पिन क्यों करता है, कैसे करता है और नहीं करता है तो क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये घटना है 22 नवंबर 2014 की, जिसमें क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था ऑल स्काई ऑटोमेटेड सर्वे फॉर सुपरनोवा, जिसमें देखा गया बेसिकली लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये सुपरनोवा है, लेकिन वो जो घटना थी वो सुपरनोवा की घटना नहीं थी। उस घटना में क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा तारा, जो बहुत बड़ा स्टार जो है आप देखेंगे ब्लैक होल के पास में गुजरा, और वो अल्टीमेटली एक ऐसा इवेंट हुआ कि उसके जो उसका जो पूरा मास है वो पूरा इस ब्लैक होल ने खा लिया बेसिकली, एक तरह से देखा जाए। लेकिन ये सुपरनोवा की घटना नहीं थी, ये जो घटना थी इसका नाम है टाइडल डिसरप्शन इवेंट या टाइडल डिसरप्शन फ्लेयर्स इसको कहा जाता है। तो इस घटना में क्या हुआ, ये पूरा जो स्टार है इस ब्लैक होल के जो पूरे उसमें समा गया, और उसके चारों ओर इसका जो पूरा डस्ट है, इसका जो पूरा मास है, जो पूरा द्रव्यमान उस तारे का था, वो पूरा एक डिस्क की तरह फैल गया। इसमें गैसें जो तरह तरह की हीट अप होकर के बहुत सारे जो रेडिएशन, एक्स रेज, यूवी रेज, इस तरह के रेडिएशन इसमें से निकलने लगे, और इस तरह से एक स्पिनिंग ब्लैक होल वहां पर देखा गया बेसिकली। तो ये आप जो देख रहे हैं एक आर्टिस्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है सेम इवेंट का, क्या हुआ था इसके लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कुछ मिशन भेजे थे वहां पर स्पेस में ऑब्जर्व करने के लिए इस घटना को। तो इन्होंने देखा कि लगभग आपके 2.93 मिलियन लाइट ईयर्स पर इन्होंने देखा कि एक इस तरह का इवेंट हो रहा है, जहां से हर 1.3 सेकंड पर इस तरह के एक्सरे के फ्लैश, वहां से एक्सरे की फ्लैशेस वहां से आ रहे हैं। तो बेसिकली ये इसके थ्रू जो इन्होंने जो जानने का प्रयास किया गया ब्लैक होल्स के बारे में, बेसिकली ब्लैक होल्स के दो फीचर्स हैं, एक मास, दूसरा स्पिन। चार्ज भी होता है बट चार्ज यहाँ पर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मास को मेजर करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उसके जो किसी भी ब्लैक होल का अगर मास मेजर करना चाहें या किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेस में अगर हम मास मेजर करना चाहते हैं तो उसके आसपास के ग्रेविटेशनल पुल से हम उसका मास मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पिन की बात करें तो किसी का स्पिन जो मेजर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जितना ही ज्यादा तेज होगा, बेसिकली दो पॉइंट चीजें हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो, एक पॉइंट ये है कि आपका जो न्यूटोनियन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के किनारे हम किसी भी ऑर्बिट में किसी भी मास को रोटेट करता हुआ छोड़ सकते हैं और वहां पर वो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये इसके केस में ऐसा नहीं है। रिलेटिविटी के केस में यहाँ पर एक इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट होता है, जिसको जिस डिस्टेंस को हम आर इसको कहते हैं, इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो इस डिस्टेंस के बाद अगर वो कोई चीज जाती है तो वो उस जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर खो जाएगी, चली जाएगी, समा जाएगी, ठीक है, यानी कि वो स्टेबल नहीं रहेगी। यानी कि आर इसको के बाहर तो चीज स्टेबल रह सकती है, आर इसको के अंदर, यानी कि आर इसको वो मिनिमम लिमिट है जिस जहां तक वो कोई भी ऑब्जेक्ट उस ब्लैक होल के सराउंडिंग में स्पिन करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप ये जो स्पिन और इसका जो चीजें हम कैसे मापते हैं इसमें ब्लैक होल्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मिनिमम इसका एक वो है, इसको का फैक्टर है, तो ये 0, 1 या -1 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इसका रोटेशन 0 है या क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है। क्लॉक वाइज होगा तो 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा, और एंटी क्लॉक वाइज होगा तो -1 होगा, ठीक। तो ये आर इसको इस बात पे डिपेंड करती है, आर इसको के आधार पर हम उसको जान पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो ब्लैक होल है वो स्पिनिंग है या नॉन स्पिनिंग है या उसका स्पिन किस डायरेक्शन में है। अगर आप देखें तो किसी जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज अगर हम स्पेस में मेजर करना चाहें तो हम इसके लिए जो अनशिफ्टेड और उसके रेड शिफ्टेड में कंपेरिजन करके उसका जो साइज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली अनशिफ्टेड जो उसका स्पेक्ट्रम है और रेड शिफ्टेड स्पेक्ट्रम के जो वेवलेंथ में जो चेंजेस आते हैं उससे उसका टेम्परेचर हम जान पाते हैं, और टेम्परेचर उसके कहीं ना कहीं उसके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक। और ये सारी चीजें जो उस पर लगने वाला फोर्स ये भी डिसाइड होता है। इस तरह से हम उस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है स्पेस में उसका हम साइज पता कर पाते हैं, और साइज पता करने के बाद ये भी हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो स्पिन है
ये यहाँ पर कोई चीज स्पिन अगर उसका मूवमेंट है तो उसका उसका आर स्कोप मतलब के आधार पर हमें देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो ब्लैक होल है वो स्पिनिंग है या नहीं है, या उसमें क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज में भी आप इसको यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप इन्होंने ये जो जो इवेंट हुई थी 2014 में 22 नवंबर 2014 में वहां पर ये देख रहे हैं आप एक्सरे फ्लक्स उस समय देखे गए थे कि जब तो जैसा कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये सुपरनोवा का इवेंट हो सकता है तो वो जो इवेंट था वो सुपरनोवा का इवेंट नहीं था। बेसिकली सुपरनोवा के इवेंट में क्या होता है जैसा कि आप जैसा कि हम लोगों ने अगर आप देखेंगे नोबेल प्राइज वाला जो डिस्कशन था तो सुपरनोवा बेसिकली किसी भी जो तारे का जो एंड है जो अंत है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो कोलैप्स कर जाता है एक सर्टेन मास में ब्लैक होल में, या वो एक्सप्लोड कर जाता है फिर फाइनली न्यूट्रॉन स्टार और ये बनता है। तो सुपरनोवा बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी तारे का मास जो हमारे सोलर सिस्टम के मास से 3.5 टाइम्स से ज्यादा है जिसको हम चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, तो किसी भी तारे का द्रव्यमान अगर चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है और उसका ईंधन खत्म हो चुका है तो वो क्या कर जाता है वो तारे का जो बाहरी जो द्रव्यमान है वो बिखर जाता है और इस तरह की जो घटना होती है उसी को सुपरनोवा कहा जाता है। तो जो उसके बाद जो शेष रह जाता है उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं और बहुत ही चमकीला होता है। तो यहाँ पे जो घटना हुई थी 2014 में 22 नवंबर में तो यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एक्सरे के फ्लैशेज आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है वो सुपरनोवा की घटना के कारण आ रहे हैं, बल्कि ये घटना इस वजह से नहीं थी, ये घटना टाइडल डिसरप्शन इवेंट की घटना थी जिसमें कि एक्सरे के फ्लैशेज वहां से आ रहे थे बट वो फ्लैशेज उसकी वजह से ना होकर के ये जो स्पिनिंग जो ब्लैक होल की स्पिनिंग ब्लैक होल के कारण थे, जिससे कि आप देख रहे हैं सर्टेन टाइम पर ये 1.33 सेकंड के इंटरवल पर वो हमारे सामने आ जाता है उसका जो चमकने वाला जो फ्लैश है जो मास जो मूव कर रहा है उसके उस पे, तो एक सर्टेन इंटरवल पर ये जो चमक जो आ रही है हमारे तो वो जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो भेजे गए थे आपके जो मिशन तो उसमें ये 1.33 सेकंड के ये सिग्नल्स मिल रहे थे, तो जिससे कि ये पता चला बाद में कि जो ये इस वजह से जो ये सिग्नल्स एक पर्टिकुलर टाइम पर रिसीव होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है क्योंकि इनका जो स्पिन है इनका जो मास है क्योंकि वो बहुत बड़े तारे को निकल गया तो जैसे जैसे उसका मास उसमें उसमें जाता जाएगा उसी तरह उसका स्पिन भी बढ़ता जाएगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो जो वो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये था आज का आपका जिसके बारे में ब्लैक होल की स्पिनिंग ब्लैक होल के बारे में कि क्यों होता है क्या होता है स्पिनिंग ब्लैक होल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, और इस जो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो फ्यूचर में मिलते रहेंगे। थैंक यू।